तो अगला जो टॉपिक है वो है प्रिज्म। नाम सुना है क्या प्रिज्म का? क्या होता है प्रिज्म? दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस का ऐसा एक कॉम्बिनेशन होता है जिसको हम प्रिज्म बोलते हैं। इसमें आप देख रहे हो कि दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, एक तो ये वाली सरफेस, एक इधर वाली सरफेस। यहाँ पे इंसिडेंट होगी लाइट रे एक इंटरफेस के ऊपर। अच्छा, इसमें दो इंटरफेस होते हैं, एक तो ये वाला इंटरफेस हो गया इधर, क्योंकि इसके इधर क्या होगा, एयर, फिर ये ग्लास होगा, फिर ग्लास से वापस से लाइट रे किस में जाएगी, एयर के अंदर। तो दो बार रिफ्रेक्शन होगा ऐसे बैंड होते हुए, पहले यहाँ पे रिफ्रेक्शन होगा, उसके बाद में क्या होगा, लाइट रे आगे जाएगी और आगे जाके इस दूसरी वाली सरफेस से बाहर निकलेगी। तो इस तरीके से दो बार लाइट का रिफ्रेक्शन होता है इसके अंदर, ये होगा। तो प्रिज्म क्या है? एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसमें दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस होते हैं और दोनों रिफ्रैक्टिंग सरफेस के बीच में एक एंगल होता है। इस एंगल को हम बोलते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म। अगर आप सामने से देखोगे ना इसको तो ऐसा दिखेगा आपको। तो ये जो एंगल है इसको हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ प्रिज्म। और ये जो आपको ट्राइंगल जैसा दिख रहा है इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल सेक्शन। क्या बोलते हैं इसको? प्रिंसिपल सेक्शन, ए बी सी बोल देते हैं इसको। तो ए बी सी वाला पार्ट है, देखो ए, ये बी और ये है सी। ये वाला एंगल क्या है? एंगल ऑफ द प्रिज्म। तो फ्रंट से आप देखोगे तो ये पूरा नहीं दिखेगा आपको, सामने वाला हिस्सा ही दिखेगा जो कि एक ट्राइंगल जैसा होगा। तो इस ए बी सी, इस ट्राइंगल जैसे पोर्शन को हम क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल सेक्शन बोलते हैं, जिसके ऊपर ये प्रिज्म टिका हुआ है। देखो ये वाला जो सरफेस है ना, इसको हम बोलते हैं बेस ऑफ द प्रिज्म। क्या बोलेंगे इसको? बेस। तो ये जो बी सी वाली सरफेस है ये तो होगी बेस, और ऊपर क्या बन रहा है, ये एंगल ऑफ प्रिज्म। अगर इसको आप ऐसे रोटेट कर दोगे और बी वाला सिरा ऊपर चला जाएगा तो एंगल ऑफ प्रिज्म कौन सा हो जाएगा? बी। जो ऊपर रहेगा ना वो होगा एंगल ऑफ प्रिज्म। जब भी आप प्रिज्म को रखे कोई भी लाइट को रिफ्रैक्ट करके देखते हो तो उसमें एंगल ऑफ प्रिज्म कौन सा माना जाता है? जो ऊपर रहेगा। ये बात समझ में आई क्या? तो इसमें देखो दो इंटरफेस होते हैं, लाइट रे इधर से पहले इंटरफेस के ऊपर इंसिडेंट होती है, एयर से ग्लास में जाती है, फिर ग्लास से एयर में जाएगी तो दूसरे इंटरफेस से वापस से इसका रिफ्रेक्शन होगा। तो दो बार रिफ्रेक्शन होता है इसमें, पहली बार तो जब लाइट रे एंटर करती है और दूसरी बार जब लाइट रे इस ग्लास प्रिज्म से बाहर निकलेगी। तो दो बार लाइट का क्या होगा? रिफ्रेक्शन होगा। फर्स्ट टाइम इधर होगा, सेकेंड टाइम उधर होगा। इतनी बात क्लियर? अब ये जो प्रिज्म है इसके लिए हम कुछ कैलकुलेशन करके देखेंगे। यहाँ पे आप देख रहे हो कि लाइट रे को मैंने ऐसे बैंड होते हुए दिखाया है, तो ये किस तरीके से बैंड होगी ये हम स्टडी करेंगे, और कितने एंगल से बैंड होगी अपने इनिशियल डायरेक्शन से ये हम स्टडी करेंगे। वैसे तो प्रिज्म कई काम आता है, लेकिन इसके जो मेन काम है वो आपको बताता हूँ। पहला इसका काम होता है किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट करने के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हो। दूसरा काम इसका होता है किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज को 90 डिग्री या 180 डिग्री से घुमाने के लिए राइट एंगल प्रिज्म के तौर पे इसको यूज़ कर सकते हो। तीसरा इसका एप्लीकेशन होता है वाइट लाइट अगर इसके ऊपर डाली जाएगी तो ये उसको 7 कलर की लाइट में सेपरेट कर देगा, जिसको हम बोलते हैं डिस्पर्शन ऑफ लाइट। तो ये भी इसका काम होता है। तो ऐसे बहुत सारे काम होते हैं, है ना, कई पर्पज़ के लिए, कई यूजफुल एप्लीकेशन के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। तो सबसे पहली एप्लीकेशन हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो लाइट रे है उसको ये कितने एंगल से बेंड करेगा। अगर आपको एंगल ऑफ प्रिज्म पता हो और मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता हो तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे कि अगर इतने एंगल पे लाइट रे को इंसिडेंट किया जाएगा तो वो कितने एंगल के ऊपर रिफ्रैक्ट होकर इसमें से बाहर निकलेगी, ये हमको स्टडी करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं इसी चीज़ के ऊपर कि लाइट रे कितने एंगल से बैंड होकर इसमें से बाहर निकलती है। तो ये मैंने यहाँ पर प्रिज्म कंसिडर किया है और मैं इसके लिए कैलकुलेट करूँगा एंगल ऑफ डेविएशन। क्या कैलकुलेट करूँगा? एंगल ऑफ डेविएशन। ये क्या चीज़ होती है? तो इसको हम डेल्टा के सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। ये वो एंगल है जिस एंगल से प्रिज्म ने लाइट रे को बैंड कर दिया। जब लाइट रे किसी भी प्रिज्म के ऊपर इंसिडेंट होती है तो वो अपनी इनिशियल डायरेक्शन से बैंड होकर उसमें से बाहर निकलेगी, तो कितने एंगल से मुड़ गई, बस उसी एंगल को हम क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ डेविएशन बोलते हैं। देखो कैलकुलेट कैसे करना है। तो मैं सबसे पहले तो एक लाइट रे यहाँ पर इंसिडेंट कर देता हूँ। ये कोई पॉइंट हम कंसिडर कर रहे हैं और इस पॉइंट के ऊपर सपोज करो ये वाली लाइट रे इंसिडेंट हो रही है। तो यहाँ पे देखो ये एयर से ग्लास में जा रही है, ये तो क्या है बाहर मीडियम एयर, यहाँ पे भी इधर क्या होगा एयर होगी, ये बीच में क्या आ गया ग्लास आ गया। ठीक है, तो ये एयर से ग्लास में जा रही है, मतलब रेयर एयर से डेंसर मीडियम में जा रही है। और जब भी लाइट रे रेयर एयर से डेंसर मीडियम में जाएगी तो हमेशा क्या होगा, जो लाइट रे है टुवर्ड्स द नॉर्मल बैंड होगी। तो इस सरफेस के ऊपर इस पॉइंट पे हम एक नॉर्मल ड्रॉ करके देखते हैं। ये मैंने नॉर्मल ड्रॉ कर लिया। तो ये जो लाइट रे है ये ऐसे सीधी जाने की बजाय, ये तो इसकी इनिशियल डायरेक्शन है, ऐसे सीधी जानी चाहिए थी ये, लेकिन क्योंकि प्रिज्म बीच में आ गया
तो ये मुड़ जाएगी, किधर मुड़ेगी, तो अब ये जा रही है रेयरर से डेंसर मीडियम में, तो ट्वार्ट से नॉर्मल मतलब नीचे की तरफ मुड़ेगी और यहाँ पे इंसिडेंट होगी। ये है इंसिडेंट रे इस इंटरफेस के ऊपर। कुछ नाम आप रख सकते हो, जैसे इसका नाम है के, इस पॉइंट को एल, इसको एम नाम दे देते हैं, और इधर से अब लाइट रे बाहर निकलेगी। तो अब किधर मुड़ेगी, तो अब ये जा रही है डेंसर से रेयरर मीडियम की तरफ। तो जब भी लाइट रे डेंसर से रेयरर मीडियम की तरफ जाती है तो हमेशा किधर मुड़ती है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ करके देखते हैं, तो सरफेस के परपेंडिकुलर देखो मैं एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, ये लो जी एक लाइन ड्रॉ कर दी, और अब ये लाइट रे सीधी जाने के बजाय अवे फ्रॉम द नॉर्मल मतलब नीचे की तरफ बैंड होके इधर चली जाएगी। आया समझ में, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे इंसिडेंट रे ने नॉर्मल से जो भी एंगल बना रखा है उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस आई वन, और जब ये रिफ्रैक्ट होगी यहाँ पे तो इसने नॉर्मल से जो भी एंगल बनाया होगा उसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर वन। अब ये जब लाइट रे आगे जाएगी तो ये देखो डेंसर से रेयरर की तरफ जा रही है, तो वहाँ पे वापस से क्या हो रहा है, रिफ्रैक्शन हो रहा है। तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा ये वैसे तो एंगल ऑफ इंसिडेंस है इस इंटरफेस के लिए, भाई यहाँ पे लाइट रे इंसिडेंट हो रही है, लेकिन हम इसको आर टू के सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे। ये वैसे तो आई टू लिखना चाहिए हमको, वैसे तो हमको क्या लिखना चाहिए, क्योंकि इस इंटरफेस के ऊपर लाइट रे इंसिडेंट हो रही है तो इसको आई टू लिखना चाहिए, लेकिन नॉर्मली हम इसको क्या लिखते हैं, आर टू। इसका रीज़न मैं आपको कैलकुलेशन में आगे बताऊँगा, तो इसको आर टू मानना है। फिर इसमें से जब लाइट रे बाहर निकल के जाएगी तो इसको हम बोलते हैं इमरजेंट रे। कौन सी, इमरजेंट, बाहर निकलने वाली लाइट रे। तो इसने नॉर्मल से जो भी एंगल बनाया होगा उसको हम एंगल ऑफ इमरजेंस आई टू बोलेंगे। ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस आई वन, ये है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, इसको भी हम एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ही बोलेंगे, और यहाँ पे ये क्या है, एंगल ऑफ इमरजेंस। तो ये डायग्राम बन गया अपना। अब जो लाइट रे है वो कितने एंगल से बैंड हुई है, अगर ये आपको पता करना हो तो देखो ये थी इनिशियल डायरेक्शन, लाइट रे ऐसे जा रही थी सीधी और फाइनली ये मुड़ के इधर जा रही है। तो अगर मैं इस डायरेक्शन को पीछे बढ़ा के, इस लाइन को पीछे बढ़ा के देखूँ, तो इनिशियल डायरेक्शन ये थी, फाइनल डायरेक्शन ये है, तो देखो इनके बीच में एक एंगल बन गया ना। इनिशियल डायरेक्शन से कितने एंगल से मुड़ गई है, तो ये है एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा, इसी को हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा। समझ में आया क्या आपको। देखो डायग्राम के अंदर सबसे पहले हमने क्या किया, एक लाइट रे को इंसिडेंट किया, फिर ये नॉर्मल से ट्वार्ट से नॉर्मल की तरफ मुड़ गई, क्योंकि ये रेयरर से डेंसर की तरफ जा रही है इसलिए ट्वार्ट से नॉर्मल मुड़ी, फिर ये मुड़ के यहाँ पे पहुँची, फिर ये डेंसर से रेयरर की तरफ जा रही है इसलिए अवे फ्रॉम द नॉर्मल बैंड होगी, और इस तरीके से इसमें से बाहर निकल गई है। हमको ये पता करना है कि कितने एंगल से बैंड हुई, तो इनिशियल डायरेक्शन ये थी, फाइनल डायरेक्शन ये है, तो दोनों के बीच में एक एंगल बनाना, इसी को हमने क्या नाम दे दिया, एंगल ऑफ डेविएशन। क्या बोलते हैं इसको, एंगल ऑफ डेविएशन बोलते हैं। ये हमको कैलकुलेट करना है, ये है अपना टारगेट। अब ये कैलकुलेट कैसे किया जाए, तो ये जो प्रिज्म है इसके लिए मैं कुछ चीज़ें डिफाइन कर देता हूँ। जैसे ये वाला है जो एंगल होता है ना प्रिज्म के लिए, उसको हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ प्रिज्म बोलते हैं। तो एंगल ऑफ प्रिज्म की टर्म्स में ये डेल्टा आपको सॉल्व करके बताना है कि कितना होगा, क्योंकि आपको जो प्रिज्म दिया गया होता है उसके लिए आप एंगल ऑफ प्रिज्म इजीली पता कर सकते हो कि कितना एंगल है उसमें। बाकी चीज़ें हम, मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमको पता होगा, जैसे ये एयर है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लो म्यू वन, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लेते हैं म्यू टू, फिर वापस एयर आ गई तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू वन, तो ऐसा आप लिख सकते हो। तो ये बेसिक चीज़ें आपको पता होंगी, तो इनकी टर्म्स में आपको फॉर्मूला बनाना है। सबसे पहला काम क्या करेंगे, देखो ये जो एंगल है डेल्टा, इसको फाइंड करने के लिए ये जो ट्राइंगल यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, ये एक छोटा सा ट्राइंगल जो आपको दिख रहा है ना, इसको मैं थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ। ये देखो इस वाले ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ मैं, ये जो ट्राइंगल आपको दिखेगा, इस ट्राइंगल के अंदर ध्यान से देखो, ये दोनों क्या हैं, इंटरनल एंगल्स हैं, और ये थर्ड एंगल का एक्सटर्नल एंगल है डेल्टा। ये जो छोटे वाला ट्राइंगल आपको दिखाई दे रहा है, इसके अंदर ये दोनों क्या हैं, इंटरनल एंगल्स हैं, और ये थर्ड एंगल का एक्सटर्नल एंगल कौन है यहाँ पे, डेल्टा। इसका मतलब अगर मैं ये दो इंटरनल एंगल्स फाइंड कर लेता हूँ तो इनको ऐड करके मैं डेल्टा के बराबर पुट कर सकता हूँ, क्योंकि किसी भी ट्राइंगल में दो इंटरनल एंगल्स का जो सम होता है वो थर्ड एंगल के एक्सटर्नल एंगल के बराबर होता है, ये प्रॉपर्टी हमको पता है। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कितना है, ये हम पता करते हैं। हम देखो ये इधर कितना एंगल बन रहा है, आई वन। ये वाली जो लाइन है और ये वाली जो लाइन है, ये एक दूसरे को काट रही है। अगर इधर आई वन एंगल बनेगा तो ये पूरा एंगल इधर क्या होना चाहिए, आई वन के बराबर ही होना चाहिए। अगर ये आई वन है तो इसके वर्टिकली अपोजिट ये पूरा एंगल क्या होना चाहिए, आई वन। उसमें से आर वन माइनस कर दो तो ये वाला एंगल आ जाएगा। ये वाला जो एंगल है ये कितना होगा, आई वन माइनस आर वन। ये चीज़ समझ में आई क्या आपको। इसी तरीके से
ये वाली लाइन और ये वाली लाइन एक दूसरे को काट रही है, तो इधर एंगल बना आई टू, तो ये पूरा एंगल आई टू के बराबर होगा। तो इस पूरे एंगल में से ये आर टू माइनस कर दोगे तो ये वाला एंगल आ जाएगा। तो ये वाला एंगल कितना होगा, इधर इसको दिखा देते हैं, ये वाला एंगल होगा आई टू माइनस आर टू। ये चीज़ समझ में आ गई। तो ये वाला एंगल भी पता चल गया आई वन माइनस आर वन, और ये वाला एंगल भी पता चल गया आई टू माइनस आर टू। तो अब ये जो डेल्टा है इसको इजीली लिखा जा सकता है, डेल्टा इक्वल टू क्या लिख दूँ, आई वन माइनस आर वन प्लस आई टू माइनस आर टू, इन दोनों को ऐड कर लिया तो ये थर्ड एंगल के एक्सटर्नल एंगल यानी कि डेल्टा के बराबर होना चाहिए। थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं इसको, आई वन प्लस आई टू एक साथ करके लिख दिया, माइनस कॉमन ले लिया दोनों में और ब्रैकेट में लिख दिया आर वन प्लस आर टू, ये इक्वेशन बन गई। अब थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं। एक चीज़ और यहाँ पे नोटिस करो, ये जो नीचे वाला ट्राइंगल बन रहा है, इस ट्राइंगल के अंदर ये वाला एंगल है ओ, ये वाला एंगल है आर वन और ये वाला एंगल है आर टू। अगर मैं इन तीनों को ऐड करूँगा, एंगल ओ, एंगल आर वन और एंगल आर टू, तो तीनों का सम कितना आना चाहिए, आर वन प्लस आर टू प्लस एंगल ओ, ये 180 डिग्री आना चाहिए ना, ठीक है, ये 180 डिग्री होना चाहिए। इसी तरीके से एक और चीज़ नोटिस करो, ये जो क्वाड्रिलेटरल यहाँ पे बन रहा है ए एल ओ एम, ये दिखा के आपको क्वाड्रिलेटरल, कोई भी क्वाड्रिलेटरल होता है उसके अंदर चारों एंगल्स का सम कितना होता है, 360 डिग्री के बराबर होता है। उसमें से ये वाला एंगल कितना है, 90, क्योंकि ये नॉर्मली तो ड्रॉ किया था अपन ने, और ये वाला एंगल भी कितना है, 90। तो दो एंगल 90-90 हैं यानी 180 डिग्री तो यही हो गया, बाकी कितना बचा, 180 डिग्री। तो एंगल ओ, एंगल ए और एंगल ओ, इन दोनों को ऐड करोगे तो ये कितना आना चाहिए, 180 डिग्री के बराबर आना चाहिए। मतलब एंगल ए प्लस एंगल ओ ये मिला के कितना होना चाहिए, 180 डिग्री के बराबर होना चाहिए। दोबारा समझो, ये जो नीचे वाला ट्राइंगल था इसमें हमने तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री के बराबर पुट कर दिया, मतलब आर वन प्लस आर टू प्लस एंगल ओ इक्वल टू 180 डिग्री। और दूसरी बात, ये जो क्वाड्रिलेटरल है, इस क्वाड्रिलेटरल के अंदर ये एंगल 90, ये एंगल 90, क्योंकि ये दोनों नॉर्मल अपने ने ड्रॉ किए थे, तो 90-90 ये 180 हो गया, तो बाकी 180 डिग्री एंगल बचा, तो ए प्लस ओ मिला के क्या होना चाहिए, 180 डिग्री के बराबर होना चाहिए। अब इन दोनों इक्वेशंस में ये देखो कि जो राइट हैंड साइड है उधर 180 डिग्री लिखा है, इसका मतलब इनकी जो राइट हैंड साइड है वो आपस में बराबर होनी चाहिए। तो मैं क्या लिख दूँ यहाँ से, आर वन प्लस आर टू प्लस एंगल ओ इक्वल टू क्या बनेगा, एंगल ए प्लस एंगल ओ। अब एंगल ओ दोनों साइड में कैंसिल कर दो, ठीक है, जितना भी होगा वो आपस में कैंसिल, इधर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा ना। तो ये क्या आया अपने पास, ये आया आर वन प्लस आर टू इक्वल टू एंगल ए। ये है इम्पोर्टेंट रिलेशन, कोई भी प्रिज्म हो उसके लिए ये जो दोनों एंगल्स होते हैं आर वन और आर टू, इन दोनों का सम हमेशा किसके बराबर आएगा, एंगल ऑफ प्रिज्म ए के बराबर होगा। जैसे मान लो कि किसी प्रिज्म के लिए एंगल है 60 डिग्री, तो आर वन प्लस आर टू हमेशा उस प्रिज्म के लिए क्या होगा, 60 डिग्री के बराबर होगा। चाहे लाइट रे को कैसे भी एंगल पे इंसिडेंट करो, ये आर वन आर टू अपने आप इस तरीके से सेट हो जाएंगे कि इन दोनों का सम हमेशा किसके बराबर आएगा, एंगल ऑफ प्रिज्म ए के बराबर आएगा। अब वो जितना भी है उसके बराबर पुट कर देंगे, तो ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। तो देखो इसमें ये डेंसर मीडियम में बनने वाले जो एंगल्स हैं उनको हमने आर वन और आर टू लिखा है, और इन दोनों का सम किसके बराबर है, एंगल ऑफ प्रिज्म ए के बराबर है। इसीलिए हमने देखो यहाँ पे इसको आई टू नहीं लिखा था, ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस था ना इस इंटरफेस के ऊपर, इसको आई टू नहीं लिखा था ताकि कन्फ्यूजन नहीं हो। हमको अब याद रहेगा कि ये दोनों एंगल कौन से वाले हैं जो डेंसर मीडियम में बन रहे हैं, आर वन और आर टू ये कौन से वाले एंगल हैं जो डेंसर मीडियम में बनने वाले एंगल हैं। तो आर वन प्लस आर टू हमेशा किसके बराबर आएगा, एंगल ऑफ प्रिज्म ए के बराबर आएगा। ये प्रॉपर्टी समझ में आ गई, ये हमेशा किसी भी प्रिज्म के लिए ट्रू होगी। अब ये वाली जो इक्वेशन है अपनी, इसके अंदर मैं ये आर वन प्लस आर टू की जगह ए पुट कर रहा हूँ, तो ये क्या बन जाएगा, ये बनेगा डेल्टा इक्वल टू आई वन प्लस आई टू माइनस ए। ये अपने पास में एंगल ऑफ डेविएशन का फॉर्मूला आ गया, आई वन प्लस आई टू माइनस ए, यह आया समझ में। अब इसमें एक और फॉर्मूला होता है जो कि अप्रॉक्सीमेट आंसर फाइंड करने के लिए होता है, वो भी हम लिख देते हैं। अप्रॉक्सीमेट आंसर फाइंड करना हो, एंगल ऑफ डेविएशन फाइंड करना हो अप्रॉक्सीमेटली, तो उसके लिए हम ये वाला फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये मैं एज्यूम कर रहा हूँ, लेट द एंगल्स आर वेरी स्मॉल,
और जब भी आप एंगल्स को स्मॉल मानते हो तो आप क्या बोल सकते हो, साइन थीटा, टेन थीटा और थीटा ये ऑलमोस्ट इक्वल होते हैं, ये अपन मान सकते हैं सब, है ना। साइन थीटा ऑलमोस्ट इक्वल टू टेन थीटा ऑलमोस्ट इक्वल टू थीटा इन रेडियन, ठीक है। तो एंगल्स को स्मॉल कंसिडर करने से हम साइन थीटा, टेन थीटा और थीटा को बराबर मान सकते हैं, ठीक है जी। अब देखो सबसे पहले क्या करना है, इस पॉइंट के ऊपर स्नेल्स लॉ अप्लाई करना है। तो इस पॉइंट के ऊपर स्नेल्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या लिखोगे, इधर कौन सा मीडियम है, म्यू वन, तो म्यू वन साइन आई वन इक्वल टू म्यू टू साइन आर वन, है ना। कौन सा पॉइंट है ये, एल पॉइंट। तो यहाँ पे मैंने लिखा स्नेल्स लॉ के अकॉर्डिंग म्यू वन साइन आई वन इक्वल टू म्यू टू साइन आर वन, ऐसा लिख दिया। अब क्योंकि एंगल्स को आपने स्मॉल मान रखा है इसलिए साइन आई वन को आप सिर्फ आई वन लिख सकते हो, साइन आर वन को सिर्फ आर वन लिख सकते हो। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा म्यू वन आई वन इक्वल टू म्यू टू आर वन, ठीक है। यहाँ से I1 की वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये I1 इक्वल टू आएगा, ये म्यू वन उधर जाएगा तो म्यू टू अपॉन म्यू वन इन टू आर वन, और म्यू टू अपॉन म्यू वन तो हम जानते हैं, इसको हम शॉर्ट में क्या लिखते हैं, म्यू टू वन, मतलब डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रेस्पेक्ट टू रेयरर मीडियम, म्यू टू वन लिख दिया इसको इन टू आर वन। तो I1 की वैल्यू आ गई क्या अपने पास में। इसी तरीके से अब आपको ये जो पॉइंट M है यहाँ पे स्नेल्स लॉ अप्लाई करना है, तो इस पॉइंट के ऊपर स्नेल्स लॉ लगा के बताओ क्या करेंगे, ये कौन सा मीडियम है, म्यू टू, तो म्यू टू साइन आर टू, क्या लिखना है, म्यू टू साइन आर टू इक्वल टू म्यू वन साइन आई टू, म्यू वन साइन आई टू लिखना है। फिर एंगल्स को स्मॉल मानते हुए क्या लिख देंगे, इसको लिख देंगे म्यू टू आर टू इक्वल टू म्यू वन आई टू, है ना। जो साइन आई टू है उसको सिर्फ आई टू लिख देंगे, साइन आर टू है उसको सिर्फ आर टू लिख देंगे। और इससे अगेन हम आई टू अगर फाइंड करें तो म्यू वन को इधर ले आओ, तो आई टू इक्वल टू क्या आ जाएगा बताओ, म्यू टू के अपॉन में चला जाएगा म्यू वन, और म्यू टू अपॉन म्यू वन क्या होता है, वही म्यू टू वन होता है इन टू आर टू, ऐसा कुछ आ गया अपने पास में। तो आई वन और आई टू इन दोनों की वैल्यूज हमने फाइंड कर ली स्नेल्स लॉ अप्लाई करके। अब ये जो अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज है, क्योंकि हमने एंगल्स को स्मॉल मानते हुए ये कैलकुलेशन करी है, तो I1 और I2 की ये जो अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज हैं ये हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे। तो ये जो डेल्टा वाला फॉर्मूला है इससे आप क्या लिख सकते हो, डेल्टा इक्वल टू ये देखो I1 की जगह लिखेंगे म्यू टू वन आर वन, और जो I2 है उसकी जगह क्या लिखेंगे, म्यू टू वन आर टू, और फिर माइनस ए। कुछ कॉमन आ रहा है क्या दोनों में, देखो म्यू टू वन कॉमन, म्यू टू वन कॉमन, तो ब्रैकेट में क्या आया आर वन प्लस आर टू माइनस ए। और याद करो आर वन प्लस आर टू तो किसके बराबर होता है, एंगल ऑफ प्रिज्म ए के बराबर होता है। इसका मतलब डेल्टा इक्वल टू क्या लिख सकते हो, म्यू टू वन ए माइनस ए। अब इन दोनों में देखो ए कॉमन आ जाएगा, तो फाइनली आंसर क्या बना, डेल्टा इक्वल टू ए अगर कॉमन ले लोगे तो म्यू टू वन माइनस वन इन टू ए, ये है अपना फाइनल आंसर। ये क्या आ गया अपने पास में, फाइनल आंसर आ गया, एंगल ऑफ डेविएशन की वैल्यू आ गई इन टर्म्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड एंगल ऑफ प्रिज्म, ठीक है। लेकिन ये वाला जो फॉर्मूला है ये अप्रॉक्सीमेट आंसर फाइंड करने के लिए होता है, इससे एग्जैक्ट आंसर नहीं आएगा डेल्टा का। क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पर क्या एज्यूम किया है, एंगल्स आर वेरी स्मॉल, तब ये फॉर्मूला निकल के आया है। बाकी जो जनरल फॉर्मूला है जो हमेशा एप्लीकेबल होगा एंगल ऑफ डेविएशन फाइंड करने के लिए वो ये वाला होगा। तो आपको एक तो ये याद होना चाहिए डेल्टा इक्वल टू क्या होता है, हमेशा आई वन प्लस आई टू माइनस ए होता है। दूसरी चीज़ ये याद होनी चाहिए कि आर वन प्लस आर टू हमेशा एंगल ऑफ प्रिज्म ए के बराबर होगा। और तीसरी चीज़ ये भी याद रखो, क्योंकि जब हम आगे डिस्पर्शन ऑफ लाइट के बारे में पढ़ेंगे कि प्रिज्म क्यों व्हाइट लाइट को सेवन कलर की लाइट में सेपरेट कर देता है, तो उस टाइम पे हम इसी फॉर्मूले को यूज़ करके उसको एक्सप्लेन करेंगे, तो तब ये फॉर्मूला काम आएगा अपने। तो ये भी अपने लिए एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है। तो तीन फॉर्मूले आपको याद करने हैं, पहला फॉर्मूला है आर वन प्लस आर टू हमेशा एंगल ऑफ प्रिज्म ए के बराबर होगा, दूसरा फॉर्मूला है एंगल ऑफ डेविएशन इक्वल टू आई वन प्लस आई टू माइनस ए, और तीसरा फॉर्मूला क्या है, एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा इक्वल टू म्यू टू वन माइनस वन इन टू ए। तो ये तीन फॉर्मूले अपने काम के हैं, ये याद होनी चाहिए। देख लो इसमें अगर कोई भी स्टेप में डाउट है तो पूछ लो।